हुंडई की गाड़ियां जो हैं अपने सेगमेंट में कंफर्ट के लिए जानी जाती हैं, और जो वेन्यू है, वेन्यू अपने सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं उनसे कम्पीट कर रही है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लैंड ऑफ ऑटोमोबाइल के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हुंडई जो है कम्फर्ट के मामले में काफ़ी जाना माना नाम है, और आज के एपिसोड में हम आपको हुंडई वेन्यू की मोस्ट पॉपुलर SUV वेन्यू के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। वेन्यू जो है हुंडई की सब कॉम्पैक्ट SUV है, और यह जो है अपने सेगमेंट में कम्पीट करती है मारुति की विटारा ब्रेजा और टाटा की नेक्सॉन इको स्पोर्ट्स है, देन आपकी किया की सोनेट। तो आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं हुंडई की वेन्यू की। ये जो हुंडई की वेन्यू आप गाड़ी देख रहे हैं, यह हुंडई वेन्यू का सेकेंड बेस मॉडल है। 1.0 लीटर टर्बो IMT मॉडल है ये। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टर्बो की बैजिंग लगी हुई है। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बताना आपको इस गाड़ी के फ्रंट से। आपको फ्रंट में ये स्टाइलिश क्रोम ग्रिल नजर आएगा, जो काफी अच्छा साइन कर रहा है और लुक को बहुत ही इन्हेंस कर रहा है। सेंटर में यहाँ पे देख सकते हैं हुंडई का बैज लगा हुआ है, और नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्किड प्लेट लगा हुआ है। हालांकि यह बेस वेरिएंट है तो इसमें फॉग लैंप नहीं है। अगर हम इसमें लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल हैलोजन लाइट्स दिया हुआ है, और ठीक इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर लाइट दिया हुआ है। हालांकि जनरली जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट होते हैं उनमें आपको साइड मिरर में इंडिकेटर होता है, जो इसमें नहीं है क्योंकि ये बेस मॉडल है। अब हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं हम व्हील्स के ऊपर में। व्हील्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो व्हील्स दिए हुए हैं ये 15 इंच के हैं, और नॉर्मल व्हील्स दिए हुए हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 195/55R 15 इंच के हैं। इंडिकेटर आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, और ये सेकंड बेस मॉडल है। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डोर हैंडल है ना, बॉडी कलर दिया हुआ है। और साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो साइड से देखने में काफ़ी अच्छी बोल्ड लुक नज़र आती है इस गाड़ी की। अब आ जाते हैं हम पीछे की तरफ में, पीछे देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हुंडई का बैज लगा हुआ है, देन लिखा हुआ है वेन्यू, और यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये टर्बो इंजन है तो टर्बो का बैजिंग दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइनिंग किया हुआ है। ये टेल लैम्प जो दिया हुआ है, हालांकि ये LED नहीं है, ये आप जो वेरिएंट है बेस सेकंड बेस मॉडल है। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं, दो सेंसर्स लगे हुए हैं। नीचे में कुछ इस तरह का स्किड प्लेट लगा हुआ है। अगर आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IMT का बैज जो है लगा हुआ है। टर्बो IMT वेरिएंट है तो IMT लिखा हुआ है यहाँ पे। IMT क्या होता है वो आपको बताते हैं थोड़ा बाद में। और गाड़ी के ऊपर में आप देख सकते हैं ये रूफ रेल जो है वो लगा हुआ है। हालांकि गाड़ी में आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, वो टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलता है। अब थोड़ा देख लेते हैं इसमें बूट क्या है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो हुंडई जो है यहाँ पे हमको 360 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड कराता है, जिसमें एक फैमिली के लिए आराम से हम लगेज जो है कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बूट में लाइट की भी सुविधा दी गई है। इसके साथ में अगर हम देखें स्पेयर व्हील्स कौन सा दिया हुआ है तो एक बार खोलेंगे तो स्पेयर व्हील्स भी यहाँ पे 15 इंच का ही दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं इंजन को भी। 1.0 लीटर 4 सिलेंडर BS6 इंजन इसमें लगा हुआ है। अगर हम पावर की बात करें तो 120 PS पावर जनरेट करती है 6000 RPM पे। इस गाड़ी में जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है वो आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब सड़कों पे भी अगर आप गाड़ी को चलाएंगे तो टच नहीं होने वाला है। तो ये जो SUV है ख़राब रास्तों पे भी चलने के लिए काफ़ी कैपेबल है। जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, जो रास्ते होते हैं काफ़ी ख़राब होते हैं। आपने देखा एक्सटीरियर किस तरह से नज़र आता है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ में, और इंटीरियर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डोर से। आप डोर में देख सकते हैं पावर विंडो के स्विचेस वगैरह दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मिरर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे क्रोम का यूज किया गया है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्यारा लग रहा है ये। और यहाँ पे 1 लीटर का वाटर बॉटल आराम से आ सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे क्रोम का वर्क किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AC जो वेंट है यहाँ भी क्रोम का उपयोग किया गया है,
और सेंटर में जो म्यूजिक सिस्टम है, हालांकि ये सेकंड बेस वेरिएंट है, फिर भी इसमें म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे भी क्रोम का यूज किया गया जो काफी अच्छा लग रहा है, गाड़ी को इनहेंस कर रहा है कलर को। और यहाँ पे आपको डुअल एयर बैग का ऑप्शन दिया गया है, साथ में EBS EBD का ऑप्शन दिया गया है, और म्यूजिक सिस्टम जो है वो विथ ब्लूटूथ कंट्रोल के साथ में दिया गया है। इसमें आपको टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपने सीटिंग पोस्चर के हिसाब से। जैसा कि मैं अभी बैठा हूं तो मेरे को अपराइट करके ड्राइव करने में ज़्यादा कन्वीनिएंट होगा, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपना ड्राइविंग के अकॉर्डिंग में। हैंड रेस्ट दिया हुआ है ड्राइविंग के लिए, ड्राइवर सीट के लिए, और साथ में यहाँ पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन भी दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे दो बोतल होल्डर दिया हुआ है, या ग्लास होल्डर बोल सकते हैं, और यहाँ पे कुछ कॉइन्स वगैरह अगर आपको रखना होगा तो उसके लिए एक स्टोरेज बॉक्स जैसा दिया हुआ है। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे देखते हैं पीछे किस तरह का स्पेस जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 1 लीटर का बोतल होल्डर मिलेगा, आराम से आ जाएगा 1 लीटर। और पावर विंडो का स्विच दिया है, यहाँ पे भी आपको क्रोम के साथ में डोर हैंडल दिया हुआ है। कुछ इस तरह का सीट जो है वो है इसमें, हालांकि ये 60-40 स्प्लिट नहीं है। मेरी जो हाइट है लगभग 5 फीट 9 इंच के आसपास है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे को हेडरूम मिल रहा है कुछ इस तरह का मिल रहा है। और अगर हम बैठने की बात करें तो ये देख सकते हैं मेरा जो हाथ है पूरा नहीं पहुँच रहा है विड्थ की अगर बात करें तो हम। और सीट की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी लग रही है, हालांकि हुंडई की जो गाड़ियां होती हैं कंफर्ट के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पे अगर हम 3 लोगों के बैठने की बात करें तो आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। और हेडरेस्ट हालांकि 2 है वो फिक्स है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया हुआ है, फिक्स दिया हुआ है। फ्रंट सीट की बात करें तो फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एयर AC वेंट दिया हुआ है, साथ में क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, और नीचे में आपको एक चार्जिंग का सॉकेट भी दिया गया है। और खास चीज़ जो है मुझे देखने के लिए मिला, ये जो आप ब्लैक पट्टी दिख रहे हैं ये 360 क्लाइडिंग दिया हुआ है, जो चारों तरफ आपको कुछ इसी तरह से नज़र आएगा। एक बार आप लोगों को चारों तरफ से मैं दिखा देता हूं, देख सकते हैं आप, ये तो ये चारों तरफ से आपको ये 360 क्लाइडिंग जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों यह जो गाड़ी है मैं लेके आया था गोयल हुंडई से, और मेरे साथ में गोयल हुंडई के गुलाब जी, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था IMT के बारे में आगे डिस्कस करने वाले थे, तो गुलाब जी से पूछते हैं। गुलाब जी, ये IMT जो है ये किस तरह का टेक्नोलॉजी है? IMT का मतलब होता है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन जी, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में ही रहता है, इसमें क्लच नहीं रहता है, जिससे माइलेज वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 से 10% इसमें माइलेज ज़्यादा आता है मैनुअल से या फिर ऑटोमेटिक जो गाड़ियाँ रहती हैं उनसे। ये टेक्नोलॉजी वैसे बेसिकली यूज होती है प्रीमियम सेगमेंट की कार कंपनियों में, जैसे आपका मर्सिडीज हो गया, ऑडी हो गया, उन सब में यूज होती है, जो कि हम हुंडई ने इसको लॉन्च किया है छोटी गाड़ियों में भी। तो हुंडई ये जो नया टेक्नोलॉजी लेके आया है अभी, तो जैसा कि बताया बिना क्लच के इसमें गियर चेंज करना है, तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं इसमें क्लच है कि नहीं है, क्योंकि वो चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाया था, वो आपको बाद के लिए रखा हुआ था, तो आइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको केवल 2 ही चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, एक तो आपका एक्सीलेटर है और दूसरा ब्रेक है। यहाँ पे जो क्लच होता है, क्लच यहाँ से मिसिंग है। अभी ड्राइव करते हैं और देखते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस किस तरह से होता है। बहुत ही स्मूथ चल रहा है गाड़ी, बहुत ही मजा आ रहा है गाड़ी को ड्राइव करने में, और SUV है तो नो डाउट मजा तो आता ही है, SUV चलाने में अलग ही मजा है। और केबिन नॉइस की अगर बात करें तो नॉइस बहुत कम आ रहा है मुझे फिलहाल। तो अगर हम इस गाड़ी के एवरेज की बात करें तो इस गाड़ी में आपको लगभग 14 से 19 किलोमीटर का एवरेज जो है वो मिल सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे, ड्राइविंग हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से आप गाड़ी चलाते हैं, कहाँ पर गाड़ी चलाते हैं। अगर सिटी पर चलाते हैं तो एवरेज डेफिनेटली आपको कम मिलने वाला है, और अगर आप हाईवे पर चलाते हैं तो वहाँ पर एवरेज जो है इंक्रीज हो जाता है। जैसा कि आप सभी ड्राइव करते होंगे तो आप लोगों के साथ होता ही होगा, तो एवरेज जो है मैटर करता है आपके ड्राइविंग हैबिट के ऊपर में, किस तरह से आप गाड़ी चला रहे हैं, कितना क्लच ब्रेक का यूज कर रहे हैं। बाकी एक डिसेंट कार है, अगर आप लेना चाहें तो एवरेज भी कोई बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा एवरेज निकालती है ये, और अगर आप अच्छे से चलाएंगे तो बहुत अच्छा एवरेज निकाल सकते हैं इस गाड़ी से।
अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ड्राइव करने के बाद ये गाड़ी जो है मुझे काफी पसंद आई है। तो अगर आप हुंडई की वेन्यू लेना चाहते हैं तो जो वैल्यू फॉर मनी हो सकता है वो हो सकता है सेकंड बेस मॉडल टर्बो 1.0 IMT, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 877,000 के आसपास का, छत्तीसगढ़ की मैं बात बता रहा हूँ, हो सकता है अलग सिटी में अलग होगा। तो लेना चाहें तो ये SUV डेफिनेटली आप ले सकते हैं, काफी कंफर्टेबल है और चलाने में नो डाउट बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो जो है पसंद आया होगा और हुंडई की जो वेन्यू है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।